बस। क्या बोले? गुंडा है गुंडा, देखिएगा गुंडाई, देखिएगा गुंडाई। विकराल बाबू, ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आएगा आप वो करेंगे। विकराल बाबू, ये मत भूलिए कि आप जहां खड़े हैं ना, ये आपका हवेली नहीं है, हमारा घर है। और जो बात करना है ना, बंदूक नीचे करके बात कीजिए। विद्वान सिंह जी, हमारा सर पे ना चंडी सवार है। हम बढ़िया से जानते हैं कि अनुराग का गायब होने में आप ही का हाथ है। बेहतर होगा कि आप अपना बेटा को खुद ही बुलाएं और समझाएं कि हमारी बिटिया के साथ में उसका रिश्ता क्या है। बेहतर होता कि आप हमको गोलियां मारते थे, क्या कि हमको विश्वास है कि हमारा अनुराग हमारे चौथा पे जरूर आएगा। तो खुद समझा दीजिएगा ये रिश्तेदारी उसको। ससुर जी, आपको हमारे बाबूजी को गुंडा नहीं कहना चाहिए था। लोग बाहर पूजा करते हैं हमारे बाबूजी की, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे बाबूजी से इस तरीके से बात करे। इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, अपने पूजाई करने वाले बाबूजी का आचरण जानती हैं। पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। और अच्छा होगा कि जाके अंदर बैठो, हम बात करें। मैं बात करने दो। छोटे ससुर जी, ताव है ना, किसी और को दिखाइए। और हमें बहुत अच्छे से आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये जो हुक्म है ना, अपनी पत्नी पर चलाइए जाके, हम पर नहीं, समझे? बस बहुत हो गया। ऐसे कैसे बात कर रही है हमारे चाचा जी से? औरत है, औरत बन के रहिए। ज्यादा बदतमीजी से बात की ना तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तो बिना बताए घर से बाहर कहाँ गई थी? इस बात का जवाब तो दे सकती हो ना। हम ये लेने गए थे। हमने हमारी सहेली को गांव के बाहर बुलाया था ताकि ये नोट्स ले सके। घर पे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो इस घर का माहौल देखे और कोई भी हमारे कारण आप सब पर कोई सवाल उठाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गए, आप सबने तो सवालों की झड़ी लगा दी है। हम जानते हैं हमारी इस घर में कोई खास अहमियत नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। लेकिन इतना विश्वास रखिए आप सब कि हमारे कारण आप लोगों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? आगे से हमेशा सच बोलना है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। मंत्री, हमको लंदन जाने वाला सारा यात्री का नाम चाहिए। दिखाइए अपना पावर, बहुत अर्जेंट है। जी वो काली पहलवान लाइन पर है। एकदम भगचोनर है कार्य काली। हरामखोर अपहरण नहीं करना है, ढूंढना है। दामाद है वो हमरा, समझा? चप्पा चप्पा छान मारे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर कोना कोना पर हमारा आदमी लोग खड़ा है, लेकिन अनुराग बाबू का कोनो पता ही नहीं चल रहा है। आज हमको रागिनी का कमी बहुत खल रहा है। 2 मिनट का काम था उसके लिए ही। रागिनी के बाबूजी, उस दिन हम इसी दिन के लिए डर रहे थे। अब देख रहे परिणाम। परेशान मत होइए आप। 2 घंटा में ढूंढ निकालेंगे हम अपना दामाद को। हमरे ताकत का अंदाजा है ना आपको? आपका ताकत का अंदाजा है हमें। हमें यह भी पता है कि कुछ भी करके आप अनुराग को ढूंढ लेंगे और सीधे रागिनी के बगल में बैठा देंगे। पर ये सोचा, जो आदमी उसके सुख के साथ नहीं है वो उसके दुख में पास कैसे रहेगा? क्या बात है विद्वान, क्या बोले अम्मा? हम तो सोचे थे कि बेटा पढ़ लिख के आएगा, पूरा पूरा घर संभाल लेगा। पर ये तो पहला मुश्किल में ही भाग गया। शायद हमारा ही दोष है। हम उसे विद्या तो दिलाते रहे पर संस्कार नहीं दे सके। इतना जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। वो कहते हैं ना, आदमी बुरा नहीं होता, उसका समय अच्छा या बुरा होता है। और बुरे समय को थोड़ा समय दे दो तो वो चला भी जाता है। थोड़ा इंतजार कर लो, सब सही होगा। और हमारा अनुराग तो ये घर का मान है। देखना, वो ये घर को बहुत आगे तक ले जाएगा। सासू माँ, बहू तू आ, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है। हम खुद ही अपने मिस्टर को लेकर आएंगे। चल ना, अरे बहू रानी, मैं खुद से भाग रहा था, दूर हो जाना चाहता था ऐसे रिश्ते से जिसे मैंने नहीं बल्कि मेरी बेबसी ने चुना है। लेकिन हम तो आपको अपनी खुशी से चुने हैं ना। रिश्ता सिर्फ एक की खुशी से नहीं होता, दोनों का उसमें खुश होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये सब बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। पक फेरा। हाँ, हम आएंगे ना। उनको भी साथ लाना पड़ेगा। वो भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हम तो अम्मा से अपने मन का बात भी नहीं बता सकते, कभी उनका सिखाया किए ही नहीं, तो अब कैसे कहें? अभी पग फेरा के लिए इनको कैसे राजी करें?